I am Kashif Jaleel and working as Director Programs in Child Protection Bureau. हमारी जो ब्यूरो है इस वक्त निगलेक्टेड और ऐसे बच्चे जो कि बेगरी कर रहे हैं इधर हर पूरे पंजाब में और इसके अलावा ड्रग अब्यूज़ में इन्वॉल्व हैं या किसी भी किस्म के शेल्टर से महरूम हैं, इन सब को हम यहाँ पर अपने पास लाते हैं और ना सिर्फ उनको यहाँ पर शेल्टर प्रोवाइड करते हैं बल्कि उनकी फ़ूड, क्लोथिंग, उनकी स्कूलिंग, उनके लिए और वोकेशनल एक्टिविटीज़, प्लेइंग एक्टिविटीज़ का ख्याल करके उनकी वेलफेयर का भरपूर ख्याल कर रखते हैं। तो ये हमारा इदारा जो है इस वक्त पूरे पंजाब के उन महरूम बच्चों के लिए उनको सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है जो कि सोसाइटी से निगलेक्टेड है। Assalamu alaikum. My name is Maria Hussain. I am working as child psychologist since 5 years in this department. जो हम यहाँ पर अपने बच्चों को basic psychological services provide कर रहे हैं उसमें उनकी assessment है, उनकी management of adjustment and social issues है. Basic focus हमारा उनकी जो है वो social reintegration और उनकी psychosocial well-being है. उसके लिए हम अपने डिफरेंट जो है वो स्ट्रैटेजीज यूज़ करते हैं। हम यहाँ पर डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो अपने अपने डोमेन में जो है बच्चों के साथ डील कर रहे हैं, गर्ल्स के साथ भी और बॉयज़ के साथ भी। तो उसमें यह है कि हमारा मेजर फोकस ये होता है कि हम उनको असेस करके उनकी जो है वो यूनिक नीड्स के अकॉर्डिंग उनके इंटरवेंशन प्लान्स डिवाइस करके उसके ऊपर बाई यूटिलाइजिंग डिफरेंट थेरेपीज एंड इवन एक्लेक्टिक अप्रोच, तो हम उसके साथ उनको लेकर काम करें, उनके IEPs बनाएं अगर उनकी एजुकेशनल नीड्स हैं, सोशल हैं तो उनकी सोशल स्किल बिल्डिंग करें, इसके अलावा उनकी अडेप्टिव स्किल ट्रेनिंग वगैरह, ये सारा हमारा मेजर फोकस होता है ताकि बच्चे यहाँ पर अच्छे तरीके से रह सकें और अगेन सोशली री इंटीग्रेट कर सकें। हमारी जो मुख्तलिफ टीम्स हैं वो मॉर्निंग और इवनिंग में रेस्क ऑपरेशन के लिए सिटी के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाती हैं और वहाँ कोई भी ऐसा बच्चा जो नेगलेक्टेड और डेस्टिट्यूट और नेगलेक्टेड हो, घर से दौड़ा हुआ हो, भीख मांग रहा हो, कबाड़ उठा रहा हो, तो उसको अपनी कस्टडी में लेती हैं। फिर उस ऐसे बच्चे को हमने विद इन 24 आवर्स कोर्ट में, चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है जहाँ से उस बच्चे की लीगल कस्टडी ली जाती है। इसके बाद ये कोर्ट डिसाइड करती है कि एक प्रोसीजर के तहत उस बच्चे को उसके पेरेंट्स के हैंडओवर करती है। तो आज बच्चा पार्टी हम लोग आए हुए हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के दायरे में और हमारे साथ चेयरपर्सन यहाँ पर हैं सारा। आई एम रियली थैंकफुल कि हमें ये मौका मिला कि हम कुछ इन बच्चों के लिए जो यहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इदारा जो काम कर रहा है, इन बच्चों के लिए हम कुछ कर सकें, इन बच्चों का दिन अच्छा मना सकें, हम इनके लाइफ में कोई और स्माइल ला सकें। तो वी रियली थैंकफुल। बच्चा पार्टी का ब्रांड का विजन ही यही है कि वी वॉन्ट बी द बेस्ट पार्ट ऑफ एवरी वंस चाइल्डहुड। सो नॉट जस्ट आवर कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स हैं बच्चे, बट हर बच्चा। अब उस हर बच्चे तक हम कैसे पहुँच सकते हैं, वो ऐसे इदारों के थ्रू ही पहुँच सकते हैं जैसे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का इदारा है। हम इतनी अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि और लोग, और इदारे मिल जाए, और लोग इनकी डोनेशन फंड रेजिंग में हेल्प हो, लोगों को पता हो कि यू नो इस सोसाइटी में ये काम भी हो रहा है। तो वे रियली थैंकफुल सारा कि आप जो इतने बड़े लेवल पे आप यहाँ पंजाब में काम कर रही हैं। हमने अभी टूर किया तो हमें पता चला कि यू नो उसमें एक साइकोलॉजी का सेक्शन अलग है, हेल्थ केयर का सेक्शन अलग है, सोशल सेक्शन अलग है, फिर उनको पूरा जो उनका लीगल सिनेरियो होता है बच्चों का। तो वे रियली ग्रेटफुल और मैं चाहूँगा कि आप भी ऑडियंस को कुछ बताएँ। आई थिंक आपसे ज़्यादा आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू एंड एज एन इंस्टीट्यूट वी वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने सोचा इस कॉज के ऊपर काम करने का एंड जिन लोगों ने हमें कनेक्ट किया उनकी मैं शुक्रगुजार हूँ। एंड आपने सोचा एंड देखिए नॉर्मली ब्रांड्स जो होते हैं वेरी कमर्शियल एंड
आपके अंदर एक एम्पैथी है इन द ब्रांड के कुछ करना है फॉर द सोसाइटी, फॉर द डाउन ट्रॉडन, फॉर द नीडी, फॉर द यू नो डिजर्विंग किड्स इन आवर सोसाइटी. तो वो दैट्स अ वेरी बिग थिंग एंड इट मीन्स अ लॉट. एंड आपने देखा कि इन बच्चों के चेहरों पे कितनी मुस्कुराहटें थी सिर्फ एक मैजिक शो से. तो इनके लिए ये जितनी हमारे लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन इनके लिए बहुत बड़ी बात है. तो ये दिल से आपके लिए, इन्होंने इनकी इनके दिल से दुआ निकली है आपके लिए, और हम भी आपको शुक्रिया कहते हैं. आई होप हम और भी आगे जाके काम एक साथ कर सकें, क्योंकि ये पूरा चाइल्ड प्रोटेक्शन प्रोसेस है जो हम फॉलो करें. और एक ये वाहिद ही इदारा है पाकिस्तान में जो ये इस तरह जो है डेस्टिट्यूट नेग्लेक्टेड बच्चों को रेस्क्यू करता है, रिहेबिलिटेट करता है. सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू द एंटायर टीम ऑफ बच्चा पार्टी. थैंक यू. मैं यही एंड में कहना चाहूँगा कि एज अ ब्रांड यू नो हम एक हद तक डोनेशन तो कर ही सकते हैं, ऑब्वियसली हमने किया, बट यू नो दैट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट. वी बिलीव दैट्स अ रियली स्मॉल पार्ट. जो असल है वो अवेयरनेस है, मोबिलिटी है. हम इतने लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं इस कॉज के लिए कि फिर जो आज जिस लेवल पे ये दारा काम कर रहा है, कल इससे मल्टीपल फोल्ड, मल्टीपल गुना ज़्यादा हम इंशाल्लाह काम कर सकें. तो ये पहला इवेंट था जो हमने साथ किया, और इंशाल्लाह इस पार्टनरशिप में हम वी लुक फॉरवर्ड कि हम इस तरह साल में 3-4 दफ़ा या उससे ज़्यादा दफ़ा करते रहें. थैंक यू सो मच. थैंक यू. मेरा नाम उसामा सरवर है, मैं हेड ऑफ़ मार्केटिंग हूँ बच्चा पार्टी में. मेरे साथ हैं आज वर्दा और मोमिना, और आज हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के साथ जो हमने इवेंट किया उसमें इनका बड़ा ही अहम किरदार है. इन दोनों की ऑर्गेनाइजेशन के को फाउंडर्स हैं गिविंग नेस्ट का, जिसको आज रमज़ान में बल्कि पूरा एक साल हो चुका है. ये बच्चों के लिए एक मखसूस NGO है, और मैं चाहूँगा कि वर्दा और मोमिना दोनों बताएँ इसके विजन के बारे में. Pehle to zaman, we want to thank you so much for everything that you've done today. The pleasure is all. We're also a very small NGO, so hamare liye itne bade idare ke sath kaam karna was almost impossible. To jis tarah humne jawab se baat ki, hame pata chala ki inko zarurat thi kapdon ki, and hum apne liye jawab se baat ki, and aap logon ne jitna smoothly transition kiya pura kapde, joote, khilone, everything. We are so grateful for your entire team. For their time, for effort, for everything. Matlab, it's just been, and aapne sab kuch brand new diya. So we're just so, so happy ke it's executed so beautifully, mashallah. Thank you. The vision of our NGO, basically, Momina and I started, was ki hum apne bachon ko leke jaate hain different idaron pe, like orphanages, old people's home. Basically, children ke hamare, hai ke humne बच्चों के लिए हमने उनको हेल्प करना है और अपने बच्चों को अवेयरनेस देनी है. तो इट वाज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मदर्स, नाउ वी आर माशाल्लाह ग्रुप ऑफ 150 मदर्स, एंड वो सब अपने बच्चों को साथ लेते हैं. अभी भी आपने देखा होगा सब अपने बच्चे साथ लाए हैं. द डिफरेंस बिटवीन अस एंड लाइक अदर प्लेसेस इज कि वी वांट आवर किड्स टू इंटरैक्ट विद दीज चिल्ड्रन, ताकि वो जो ह्यूमन एलिमेंट एक आता है ना, हमारे अपने बच्चों में भी आए और दूसरे बच्चों में भी आए, कि वो समझे एम्पैथी है और वो सोसाइटी का हिस्सा अपने आप को समझे, ये बच्चे भी समझे, बिकॉज दिस इज़ व्हाट लैक्स. लाइक यू नो, ये पूरी जिंदगी देन दे फील कि देयर ऑर्फन्स, देयर ऑर्फन, देयर अबैंडन्ड, ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए, वो डिस्कनेक्ट ना रहे. एग्जैक्टली. तो वो हम अब सारा के साथ, जो हमारा नेक्स्ट इस चाइल्ड प्रोटेक्शन के साथ था, एक तो हमने अब आपके साथ ये ईद के साथ कपड़ों का इनके लिए किया, उसके बाद हमारा है टू वर्क विद देयर ओल्डर किड्स, इनको सर्व वोकेशनल स्किल्स करवाना, कि ये बच्चे जब यहाँ से जाएँ दे शुड बी अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, दे शुड नॉट बी के मतलब यहाँ से निकल के और यू नो देयर बेगर्स ऑन द स्ट्रीट, फ़ायदा क्या हुआ. एग्जैक्टली. You know, the basic vision is that they have a normal human dignity and, you know, respect in life when they leave this place. And that's what we want to help Sara with, vocational skills. All right. Thank you so much. बड़े हम शुक्रगुजार हैं इनके, गिविंग नेस्ट के, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के. और ये आज, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि ये सिर्फ एक इवेंट है जो हमने रमज़ान और ईद के हवाले से किया. वन ऑफ मैनी टू कम इंशाल्लाह. और हम इसको ना सिर्फ लाहौर, पंजाब, बल्कि पाकिस्तान भर में इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इंशाल्लाह करेंगे. थैंक यू सो मच.